दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजी देखने के लिए उत्साहित हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जी हां दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे भारतीय महिला टीम का आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ तूफान देखने के लिए मिला और किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, तो उनकी बल्लेबाजी तो यहां पर हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि आज पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ भारतीय टीम मैच जीतेगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान टीम के बीच में आज आईसीसी विश्व कप 2022 का चौथा और भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, आज के इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय महिला टीम मैदान पर उतरी थी तो भारत का प्रदर्शन इतना ज्यादा कुछ अच्छा था नहीं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर मिताली राज ने तो आज के इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए स्मृति मंदना और सैफाली वर्मा उतरी थी तो यहाँ पर भारत को पहला बड़ा झटका सैफाली वर्मा के रूप में लगा था, जहाँ सैफाली वर्मा 6 गेंदों में मात्र 0 रन पर ही आउट हो गई थी। और सैफाली वर्मा के विकेट के साथ ही भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ पर फिर पारी को संभाला दीप्ति शर्मा ने, जहाँ स्मृति मंदना और दीप्ति शर्मा ने मिलकर पारी को संभालते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की। जी हाँ, इस दौरान स्मृति मंदना ने 75 गेंदों में 52 रन बनाए और उनको अनम अमीन ने 25 ओवर की पहली गेंद पर कोट एंड बोल्ड किया। तो वहीं दीप्ति शर्मा ने 57 गेंदों में 40 रन की पारी खेली और उन्होंने अपनी इस पारी में 2 चौके लगाए थे। हालांकि फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी मिताली राज और हरमनप्रीत कौर, और एक बार फिर से इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से खराब प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जहां मिताली राज कप्तान होकर भी मात्र 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौटी, तो वहीं हरमनप्रीत कौर ने 5 रन बनाए और ऋचा घोष 1 रन ही बना सकी। हालांकि यहां तारीफ करनी होगी इसने राणा और पूजा वस्त्रकार की, क्योंकि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज भारतीय पारी को इस तरह से संभाला कि एक पल भी महसूस नहीं होने दिया कि भारत मुश्किल स्थिति में है। दरअसल यहां जब ऋचा घोष का विकेट गिरा था तब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर बस मात्र 112 रन ही था, लेकिन इसने राणा और पूजा वस्त्रकार ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ है। दरअसल दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तो अपनी अर्धशतकीय साझेदारी करी और इस दौरान पूजा वस्त्रकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने 50 रन की पारी में 28 रन बनाए थे। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुके, दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां इसने राणा ने आज के इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया तो वहीं पूजा वस्त्रकार 70 रन के करीब पहुंच सकी। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम ने आज के इस मुकाबले में अंत में आकर बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन पाकिस्तान की टीम को इतना बड़ा स्कोर आज से पहले कभी दिया भी नहीं था। लेकिन अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान महिला टीम को गेंदबाज कैसे रोकेंगे। बाकी अब आपकी क्या राय है भारतीय महिला टीम के आज के इस प्रदर्शन के बारे में, और आप भारतीय महिला टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।